दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको द चैम्पकॉइन के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स बताऊंगा कि चैम्पकॉइन की टेक्नोलॉजी क्या है और इसमें कॉइन जनरेशन किस तरह से होगी, क्या ये प्रीमाइंड कॉइन है या क्या ये सेंट्रलाइज्ड करेंसी है या डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। पहली बात तो अपना जो द चैम्पकॉइन है वो प्रीमाइंड क्रिप्टो करेंसी नहीं है पूरी तरह से। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो POW प्लस POS दोनों टेक्नोलॉजी यूज की गई है। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ हिस्सा प्रीमाइंड कॉइन का होता है और कुछ हिस्सा माइनिंग से जनरेट किया जाता है। माइनिंग से कैसे जनरेट किया जाता है, जितनी भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए आप एक दूसरे को जब भी आप कॉइन सेंड करते हैं तो उसमें एक ट्रांजेक्शन चार्जेस कटते हैं, उसको बोलते हैं, और उस ट्रांजेक्शन चार्जेस से जो भी कॉइन बचते हैं उसको माइनिंग वाले कॉइन बोले जाते हैं, एक तरह से वो माइनिंग बोली जाती है। ठीक है, जो भी बाय सेल होता है, बाय सेल के अंदर भी ट्रांजेक्शन चार्जेस दिए जाते हैं, उसके अंदर भी जो भी जितनी भी बचत होती है, मतलब जो भी बाय सेल करने से मान लीजिए 1% का ट्रांजेक्शन चार्जेस रखा है बाय सेल पर और सेंड रिसीव पर भी, तो वो 1% एक तरह से माइनिंग में आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि द चैम्पकॉइन की क्या क्या खासियतें हैं। पहली बात तो ये कि TCC, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, आपको पता ही है, TCC के ऊपर कोई भी पर्सन इलीगल अपनी मनी नहीं रख सकता। मतलब कि मैं आपको पढ़ के बताता हूं, बिकॉज द फोकस ऑफ द चैम्पकॉइन इज ऑन द कॉइन्स यूजेबिलिटी, वी हैव ऑफर्ड अवर माइनर्स अ कॉइन दैट आर इजी टू माइन एंड इजी टू यूज। द चैम्पकॉइन हैज ऑल्सो एनफोर्स्ड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज एज अ प्रूफ दैट द कंपनी हैज लॉन्ग टर्म प्लान्स। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है ताकि इसमें किसी भी तरह के गलत इन्वेस्टमेंट ना सके और एक एक इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है। जो भी पर्सन द चैम्पकॉइन खरीदता है और जो खरीदेगा उसकी पेमेंट की प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है कि क्या उसने किस सोर्स से उस पेमेंट को दिया है। टेक्नोलॉजी यूज की है POW और POS। POW टेक्नोलॉजी होती है कि जिसमें माइनिंग की जाती है, POS टेक्नोलॉजी होती है जो प्री माइंड होते हैं। तो हमारी दोनों टेक्नोलॉजी है। प्री माइंड कॉइन कितने हैं, प्री माइंड कॉइन है 20 करोड़ कॉइन, जिसमें से 10 करोड़ ऑलरेडी सेल हो चुके हैं और 10 करोड़ की इतनी ज्यादा डिमांड है कि हमने कैपिंग लगाई हुई है कि वो धीरे धीरे ही हम सेल करना चाहते हैं, इतनी ज्यादा डिमांड है लोगों की, लीडर्स की सबकी कैपिंग लगाई हुई है कि कोई भी लीडर 10 बिटकॉइन से ज्यादा की परचेजिंग नहीं करेगा। तो 10 ही करोड़ कॉइन बचे हैं अभी के लिए। उसके बाद कॉइन्स टू बी माइंड इन नेक्स्ट 4 ईयर्स, मतलब कि हर साल जो कॉइन बनेंगे वो बनेंगे 36% के हिसाब से माइनिंग होगी। 20 करोड़ कॉइन के 36% इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ फिर 36% इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इस तरह से बढ़ते 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 4 साल बाद ये टोटल कॉइन हो जाएंगे 50 करोड़ के करीब। ठीक है, अब इसके अंदर सर्कुलेशन में अभी 20 करोड़ रहेंगे। 1 जनवरी को हर साल इसका पे आउट दिया जाएगा, जो भी माइनिंग का पे आउट जो 18% का रिटर्न है वो हर साल की 1 जनवरी को दिया जाएगा। अभी 1 जनवरी जा चुकी है तो अगले साल 2018 में जो 1 जनवरी आएगी उस 1 जनवरी को 18% का रिटर्न किस बेसिस पे दिया जाएगा वो मैं बताता हूं। वो उस बेसिस पे दिया जाएगा कि उस 1 जनवरी को किसके वॉलेट में कितने कॉइन्स पड़े हैं। अगर आप 31 दिसंबर तक भी कॉइन को सेल कर देते हो तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको वो कॉइन्स 1 जनवरी को रखने जरूरी है अगर आपको उसका बेनिफिट चाहिए तो। और कॉइन्स हर साल 18% की ग्रोथ रेट से इंक्रीज होंगे। टोटल ग्रोथ रेट 36% का है जिसमें से 18% उसके लिए निकाला गया है जो पर्सन कॉइन को खरीद रहा है।
बाकी का 18% जो बटेगा वो नेटवर्क में बटेगा, टीम में, वो सिर्फ एक ही बार बटेगा। पहला 18% 4 साल तक जो बढ़ेगा, जो बटेगा, वो बटेगा उस पर्सन को जिसने कॉइन खरीदे हैं। और अगला जो 18% है जो टीम में बटा है, क्योंकि हर साल 18% का सभी कॉइन्स में ग्रोथ, 36% का सभी कॉइन्स में टोटल ग्रोथ होगा, तो इस वजह से हर एक में वो ग्रोथ किया जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 18% का ग्रोथ तो हमने उसे दे दिया जो पर्सन ने कॉइन खरीदा। जिसने आज कॉइन खरीदा, अगर उस पर्सन ने वो 1 जनवरी तक कॉइन रखा अपने पास, तो उसको वो 18% का रिटर्न मिल जाएगा, अदरवाइज उस पर्सन को नहीं मिलेगा। अभी नेटवर्किंग प्लान इसका कोई तैयार नहीं हुआ है, वो कुछ समय में तैयार हो जाएगा, वो आपके साथ शेयर नेक्स्ट ऑडियो में कर दिया जाएगा। अगला मैं आपको बताता हूँ, टोटल कॉइन्स बने हैं 50 करोड़। इससे पहले कॉइन्स थे 100 करोड़, जिस प्लान को चेंज कर दिया गया है, क्योंकि 100 करोड़ बहुत ज्यादा कॉइन्स है, जितने कम कॉइन होंगे उतनी ज्यादा उसकी डिमांड होगी। आधे कर दिए गए कॉइन, अब सिर्फ 50 करोड़ बनेंगे और वो भी 4 साल में बनेंगे। आज के समय में सिर्फ 20 करोड़ कॉइन है, मतलब जितने कम कॉइन है उतनी ज्यादा उसकी डिमांड है और उतनी जल्दी उसका रेट जो है ग्रो करेगा। ठीक है, माइनिंग जो होती है वो बाय सेल पे होती है और सेंड रिसीव पे होती है। उसके बाद 18% रिटर्न दिया जिसने खरीदा, 18% बटेगा टीम में, किस तरह से बटेगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्या अपना द चैम्प कॉइन सेंट्रलाइज्ड है डिसेंट्रलाइज्ड? इसका आंसर मैं आपको देना चाहूंगा कि राइट नाउ इस वक्त ये सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, आने वाले 1 साल बाद ये सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी बन जाएगी। देखिए होता क्या है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में आपको डिफरेंस बताता हूँ। सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी वो होती है जिसमें मैक्सिमम शेयर होल्डिंग एक पर्सन के पास होती है। जैसे ही 60-40 का रेशियो आ जाता है, मतलब कि 40% एक पर्सन पर, बाकी 60% मार्केट में, तो वो टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। तो अभी 20 में से ऑलरेडी 10 करोड़ कॉइन मार्केट में निकल चुके हैं, तो जैसे 2-3 करोड़ कॉइन और निकलेंगे मार्केट में, तो ये टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड में अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, किसी को करने की जरूरत नहीं होगी। कोई भी पर्सन टीसीसी एक्सचेंज से अपने द चैम कॉइन को सेल कर सकता है, वहां से बाय कर सकता है, और ये एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड में चलेगी, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू भी चलेगी और वेब पोर्टल के थ्रू भी चलेगी। अभी इनिशियली एंड्रॉयड ऐप ही आ रही है, जो कि प्ले स्टोर से आप कुछ समय में आप देख लेंगे वहां पर आ जाएगी। उसके बाद वेबसाइट भी इसकी तैयार हो रही है, जिसमें आप thechampcoin.com वेबसाइट पर आप जाके उसमें आप लॉग इन कर पाएंगे, प्रॉपर अपना अकाउंट चेक कर पाएंगे, किसी को भी सेंड रिसीव या बाय सेल कॉइन्स कर पाएंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन चार्जेस रहेंगे 1% का सेंड रिसीव पर भी और बाय सेल पर भी। ट्रेडिंग जो है, ट्रेड ऑफ टीसीसी विल बी डन ऑन टीसीसी एक्सचेंज एंड यू कैन डायरेक्टली बाय सेल अकॉर्डिंगली। जितना बायर वहां पे होगा और जितना सेलर वहां पर होगा वो एक्सचेंज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। पहली बात तो यहाँ पे रेट को रेगुलेट लोग खुद करेंगे, यहाँ पे किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती किसी भी कॉइन को चलाने में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं उस वक्त सभी लोगों की होती है कि उसको किस तरह से उठाया जाए। तो जब भी एक्सचेंज आएगी उसके अंदर आप सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होगी कि इसका रेट इंक्रीज कैसे किया जाए। जितने ज्यादा बायर्स होंगे उतना ज्यादा इसका रेट बढ़ेगा, जितने कम सेलर्स होंगे उतना इसका रेट बढ़ेगा। ठीक है, ज्यादा सेलर होंगे तो रेट कम भी आ सकता है। तो ये सब चीजें आप लोगों के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि आज अगर मैं आपको कह रहा हूं कि इसका रेट जो है, हमारा टारगेट 1 साल में 1000 रुपये लेके जाना है, तो सिर्फ मेरे ही कहने से चला जाएगा। इसमें सब लोगों को साथ देना होगा। अगर आप लोग बेचने पे आ गए तो उस वक्त कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसी पॉजिटिविटी बनानी है, हमें ऐसी पॉजिटिव मार्केटिंग करनी है कि हमारे कॉइन को कोई बेचे ही ना। आज बिटकॉइन कोई नहीं बेचना चाहता। बिटकॉइन जिसके पास है वो कहता है यार मुझे पता है 1 लाख पे भी जाएगा 3 महीने बाद। तो
इसी तरह की मार्केटिंग हमें करनी है अपने द चैम क्वाइन की। हमें पता है कि चैम क्वाइन ने एक साल में 1000 पे जाना है, तो हमें उसको नहीं बेचना। वो इंसान बेवकूफ ही होगा जो उसको कम दाम पे बेचेगा, 10 रुपए में, 20 रुपए में, 50 रुपए में भी जो बेचेगा वो भी नुकसान में रहेगा। क्योंकि आज वो लोग पछताते हैं जिन लोगों ने बिटकॉइन को 2014 या 2015 में बेच दिया बहुत कम दाम में। ठीक है, तो हम भी इस टेक्नोलॉजी, इस टेक्निक के साथ चलेंगे और इस तरह से इसको प्रमोट करेंगे, इसकी एक पॉजिटिव मार्केटिंग क्रिएट करेंगे, ताकि अपने द चैम क्वाइन का रेट दिन दुगनी और रात चौकनी तरक्की करें। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आप लोग भी एक्सचेंज में हमारा साथ देंगे। क्योंकि एक्सचेंज में जो रेट बढ़ता और गिरता है वो बायर और सेलर के ऊपर बढ़ता गिरता है। बायर्स हमें क्रिएट करने हैं, बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स हमें अपने कॉइन के अंदर लेके आने हैं, उसको हमें पावर दिखानी है, द चैम कॉइन के साथ बिजनेसेस को जोड़ना है, आप लोगों को भी जोड़ना है और हमें तो जोड़ना ही जोड़ना है। आप लोगों को भी, अगर आप एक बिजनेस करते हैं, मान लीजिए आपकी मोबाइल शॉप है, तो आप लोग खुद भी द चैम कॉइन को एक्सेप्ट करने शुरू कीजिए। कोई भी पर्सन आता है कि भैया मेरे को मोबाइल गार्ड चाहिए, बैक कवर चाहिए, कि मेरे पास द चैम कॉइन पड़े हैं और मैं उसको सेल करके आपको ये ले सकता हूं, तो यस, आपको भी वो करना पड़ेगा, आपको भी वो देना पड़ेगा। जैसे आज के समय में बिटकॉइन चलन में आ गया है, इस तरह से हमें भी अपना टीसीसी चलन में लेके आना है। जितने ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, जितने ज्यादा लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही इसका रेट बढ़ेगा। क्योंकि आज के समय में लोगों का एक यही क्वेश्चन होता है कि सर हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा जगह पे हम इसको यूज कर पाएंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। सॉरी ऑडियो ज्यादा बड़ा हो गया, पर बहुत नॉलेजेबल ऑडियो होगा आप लोगों के लिए, द चैम कॉइन के लिए और उसके फ्यूचर के लिए। थैंक यू दोस्तों।